दर्जे मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि मानी वाजिया हों। आग बगोला होना, गुस्से में आना। आप लोग जो हैं इसका जो है जुमला बनाएंगे, जिस तरह जुमला होगा कि अली जो है वो अली अलीशा को चोरी करते देखकर आग बगोला हो गया, यानी कि गुस्से में आ गया। इसमें जो है लफ्ज़ का मानी वाजिया हो जाता है। इसी तरह आता है आड़े आना, मुसीबत में काम आना। मेरे दोस्त हमेशा मेरे आड़े आते हैं, मुसीबत में काम आते हैं। तो आप इन तमाम मुहावरा जिसके मानी बताए गए हैं, आप इनके जुमले बनाएंगे। मंदरजा ज़ैल वाहत की जमा लिखें, तबाहकारियाँ वाक़यात जो जमा है उनके वाहत तबाहकारियाँ, तबाहकारी वाक़यात वाक़या। इसी तरह इन सब के जो हैं वो आप जमा के वाहत लिखेंगे, मकामात मकाम। इसी तरह से तो आगे है खाके से कहानी लिखना। खाके से कहानी लिखना, एक लोमड़ी भूखी थी, डैश दरख्त पर कवे के मुँह में पानी पनीर का टुकड़ा देखा। इसके दरमियान में आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि एक लोमड़ी भूखी थी, वो खुराक की तलाश में जो है वो जंगल में निकल गई पड़ी, और जंगल में जाकर उसने एक दरख्त देखा, दरख्त पर उसने कवे के मुँह में पनीर का टुकड़ा देखा। इसी तरह आप इस स्टोरी को फिकरात से फिकरात मिलाकर जो है कंप्लीट करेंगे। तो उससे आगे आता है दर्जे अल्फाज के मुतजाद लिखें। तो लफ्ज़ है बहिश्त, इसका मुतजाद क्या होगा? अल्फाज ये हैं, इनके मुतजाद का मतलब होता है यानी कि इसके मुखालिफ। बहिश्त का मतलब होता है जन्नत, तो इसका जगह क्या होगा? दोजख। अमीर गरीब, आसान मुश्किल। इसी तरह आप बाकी अल्फाज के मुतजाद लिखेंगे। जुमलों को दिए गए ज़मानों के मुताबिक तब्दील करें। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से ठंडक बढ़ गई थी, इस जुमले को फेल हाल और फेल मुस्तकबिल में करें। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से ठंडक बढ़ गई है, फेल हाल बढ़ जाएगी, फेल मुस्तकबिल। इसी तरह बाकी इन जुमलों के जो हैं आप फेल मुस्तकबिल, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, जो जो फेल मुस्तकबिल बताए गए हैं या हाल बताए गए हैं, आप उसके बारे में उन्हीं टेंस के हवाले से उन्हीं जो है वो जुमलों के मुताबिक, ज़मानों के मुताबिक आप उनको हल करेंगे। दर्जे अल्फाज को हरूफ तहजी के मुताबिक तरतीब दे के लिखें। या आपको क्लास में बताया जाता है किस तरह से आपने हरूफ तहजी में तरतीब देकर इसको लिखना है, ठीक है। आगे आपने करना है ख़त नवीसी। चीन में रहने वाले अपने एक दोस्त को ख़त लिखकर इसे अपने मुल्क के बारे में दिलचस्प बातें बताएं। यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का लिबास कैसा है, यानी कि हम क्या पहनते हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, यहाँ मौसम कैसे होते हैं, यहाँ के मशहूर मकाम क्या हैं। आगे है बचत करना एक अच्छी आदत है, इस उनवान पर तीन पैराग्राफ पर मबनी एक मज़मून लिखें। आप लोग बचत करते हैं, कमेटियाँ डालते हैं, इससे बचत करने के बाद जो है आप कौन कौन सी चीज़ें उनसे लेते हैं, ये कैसी आदत है, एक अच्छी आदत है। आप इस पर तीन पैराग्राफ बनाएंगे और एक मज़मून लिखेंगे। बचत ना करने के क्या नुकसान हो सकते हैं, आप बचत कैसे कर सकते हैं, ये तमाम के बारे में जो है आप तीन पैराग्राफ बनाएंगे। बचत करना एक अच्छी आदत है, पहला पैराग्राफ। दूसरा, बचत ना करने के नुकसान, आप बचत कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे होगा कलम अलिफ में दिए गए अल्फाज के हम मानी, कलम दो में दिए गए हैं हम मानी अल्फाज के ग्रुप बनाइए। जैसे कि यहाँ लफ्ज़ है अदावत, अदावत का मतलब क्या होता है, इसका हम मानी अल्फाज है अदावत का दुश्मनी। इसी तरह जुल्म का जुल का मतलब होता है सितम। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम है दर्जा जुमलों को पढ़िए और ख़त कशीदा अल्फाज से मज़ीद दो जुमले बनाइए। जूं ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी चल दी। जूं ही का मतलब क्या होगा, जैसे ही। इसी तरह बाकी जो अल्फाज हैं इनकी मीनिंग्स जो हैं वो आप ढूंढेंगे और इनसे जो है वो आप मज़ीद दो जुमले बनाएंगे। आगे है हर्फ को उलट पलट कर तीन अल्फाज बनाइए, हर्फ में से एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको मिसाल दी गई है जीम लाम अलिफ, इन तीनों को मिलाकर जीम अलिफ जा लाम जाल, लाम अलिफ ला जीम लाज, अलिफ जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला उजाला। इसी तरह आप इन्होंने वर्ड से जो है ये तीन तीन अल्फाज बनाएंगे। इससे आगे आता है मंदरजा ज़ैल वाहद जुमलों को मुनासिब तब्दीली के साथ जमा बनाएं। फल को टोकरी में डाल दो, इसमें यूज़ होगा फल को टोकरी में नहीं बल्कि फलों को टोकरी में या टोकरियों में डाल दो। इस तरह से हम इसको करेंगे। लापरवाही से हादसा होता है, लापरवाही से हादसे होते हैं। इसी तरह आप इनके जो वाहद हैं उनको जमा बनाएंगे और कुछ जमा को हम वाहद बनाएंगे।